जिले में लगातार हो रही गोकशी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत अब पुलिस बार बार चेतावनी के बावजूद सुधरने का नाम न लेने वाले गोकशों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। इसी कड़ी में जिले की पुलिस द्वारा 3 शातिर गोकशों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। SSP अजय साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने रोहटा थाना क्षेत्र निवासी फुरकान, शोएब और ताहिर के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक यह तीनों ही अपराधी बेहद शातिर किस्म के गौ तस्कर है, जिनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में गोकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। इतना ही नहीं, आरोपी हर बार जेल से छूटते ही गोकशी की नई वारदात को अंजाम दे देते हैं, जिसके तहत पुलिस ने इन तीनों गोकशों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए रासुका तालीम की है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि गोकशी का जो अपराध है वो बैन है और एक जघन्य अपराध है, जो भी इसको करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मेरठ पुलिस के रोहटा थाना क्षेत्र में 3 अभियुक्तों पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है। बार बार इन पर ऐसे मामले पाए गए थे कि ये जाते थे जेल, उस जमानत पर आकर फिर गोकशी का कार्य करते थे, जिससे माहौल खराब होता था। इन 3 अभियुक्तों पर NSA की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, बाकी भी कुछ अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई प्रचलित है।